हेलो एवरीवन। सो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली दो पार्ट है। वेव ऑप्टिक्स में हमने बेसिकली तीन पार्ट है, आप ये कह सकते हो। एक हमने इंटरफेरेंस वाला पार्ट पढ़ा, फिर एक पार्ट है जिसमें हमें डिफ्रेक्शन पढ़ना है, और तीसरा पार्ट है पोलराइजेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में, हम लोग तीन फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, तीन लाइट के जो फेनोमेना है। इसके पहले हमने बेसिकली दो जो इम्पोर्टेंट फेनोमेना है, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन, इसके साथ डील किया। उसके साथ में हमने दो और चीजें कवर की, एक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कुल मिलाकर के हम लोग चार फेनोमेना जो लाइट के हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं, और तीन फेनोमेना ऑफ लाइट अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से इंटरफेरेंस हो गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन एंड डिफ्रेक्शन। तो ये जो तीनों हैं वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ओके, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, अब क्या होता है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ये समझेंगे। देखो बेटा, अगर मान लो यहां पर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, ठीक, यहां पर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, और इधर मान लो एक ओपनिंग है, ठीक है, ऐसा इधर दीवार है और इसमें एक छोटा सा होल है, और इधर एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन। और आगे बात समझ में? अब बेटा सोचो, अगर यहां से लाइट मैंने ऑन किया, ठीक है, तो लाइट जब मैं ऑन करूंगा तो एक रे जो ये जाएगा इस तरीके से ऐसा, और एक रे इस तरीके से जाएगा ऐसा। आगे बात समझ में? तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि लाइट जो है ना सिर्फ इतने रीजन में पहुंचेगा, है ना, इतने रीजन में क्या होगा, लाइट पहुंचेगा, और यहां पर क्या होगा बेटा, ब्राइट, है ना, स्पॉट में लाइटेड एरिया रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा, लाइटेड रहेगा, और इधर क्या रहेंगे, शेडो बनेंगे, है ना, इधर क्या होंगे, शेडो, इधर क्या रहेगा, शेडो, ठीक है। तो इधर शेडो है, उधर लाइटेड है। ओके, आगे बात समझ में? लेकिन लेकिन ऐसा देखा गया कि ये जो होल है ना, ये जो ओपनिंग है, ये अगर बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, इतना छोटा बेटा कि ये कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, आगे बात समझ में? अगर ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग या ऑब्स्टिकल जो भी बोलो, अगर वो इतना छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो फिर क्या होता है कि लाइट, अभी क्या हो रहा था, ऐसा क्यों फॉर्म हुआ बेटा, शेडो इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि लाइट क्या होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये गैप बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि वो साइज क्या हो जाए, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है बेटे, तो लाइट की वेवलेंथ होती है माइक्रोमीटर के रेंज में, है ना, किसके रेंज में होती है, माइक्रोमीटर के रेंज में। तो माइक्रोमीटर के रेंज का जब वो ओपनिंग होगा, वो होल होगा या ऑब्स्टिकल होगा, तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी है लाइट की, है ना, वो उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा, है ना, डेविएट करने लगता है, हटने लगता है। और ये जो मतलब ये जो कॉर्नर था, ऑब्स्टिकल का जो कॉर्नर था, यहां से लाइट क्या होता है बेटा, यहां से जो लाइट है वो बेंड होने लगता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बेंड होने लगता है। आगे बात समझ में? तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलता, अगर रे ऑप्टिक्स को फॉलो करता, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता, यहां तक पहुंचता, स्ट्रेट लाइन में चलता यहां तक पहुंचता, इतना रीजन लाइटेड होता, इसके बाद शैडो दिखता, इसके बाद शैडो दिखता। लेकिन अभी के कंडीशन में जब ये होल बहुत छोटा है, तो लाइट क्या होता है, लाइट जहां तक पहुंचना चाहिए उससे अंदर तक घुस जाता है। इस रीजन में भी लाइट पहुंच गया, इस रीजन में भी लाइट पहुंच गया। तो बेटा
कायदे से ये रीजन जो है वो किसका था, सैडो का था, ये रीजन किसका था, सैडो का था, बट ये भाई साहब क्या हुए, ये जो लाइट थे वो भाई साहब सैडो के रीजन में भी घुस गए, मतलब सैडो के एरिया को भी कब्जा लिया। कब्जाने को कहते हैं बेटा इनक्रोचमेंट करना, इनक्रोचमेंट करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी को भूल जाता है और वो ऐसे रीजन में एंटर कर जाता है, इनक्रोच कर जाता है जहां पर जो रीजन किसका था, सैडो का था, ठीक है। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है लाइट का, इसको हम लोग कहते हैं बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ऑन एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल हुज साइज इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यू टू व्हिच लाइट इनक्रोच इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो का जो रीजन होता है वहां पर भी वो घुस जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। दी फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट दी कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल सच दैट ऑब्स्टिकल हुज साइज इज कंपेरेबल टू साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू विच लाइट इनक्रोच इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आगे बात समझ में, तो ये कहलाता है बेटा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अच्छे से समझ गए हम लोग, ठीक है, ओके। अब आगे बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन की। डिफ्रेक्शन दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक को कहते हैं फ्रेजनल्स डिफ्रेक्शन और एक को कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो चलो बारी बारी से दोनों की बात करेंगे, फ्रेजनल्स डिफ्रेक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन। पहला फ्रेजनेल्स डिफ्रेक्शन, ठीक है। अब समझो कि फ्रेजनेल्स डिफ्रेक्शन क्या होता है। तो अभी जो आपने सिचुएशन देखा बेटा, उसमें क्या था, एक सोर्स था और एक ऑब्स्टिकल था, है ना, और एक क्या था, स्क्रीन था। ये सोर्स हुआ बेटा, ये आप इसको जो स्मॉल ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लिट बोलते हैं, तो स्लिट बोल सकते हो और इसको स्क्रीन बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, स्क्रीन बोल सकते हो। फ्रेजनेल डिफ्रेक्शन क्या क्या होता है, अगर बेटा अगर सोर्स से स्लिट और स्लिट से स्क्रीन, मतलब स्लिट से सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट, तो डिफ्रेक्शन आपका क्या कहलाता है, फ्रेजनेल्स डिफ्रेक्शन कहलाता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। इफ इफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज फाइनाइट सच डिफ्रेक्शन इज कॉल्ड फ्रेजनेल डिफ्रेक्शन, फ्रेजनेल्स डिफ्रेक्शन। आगे मेरी बात समझ में आपको, तो ये हो गया बेटा फ्रेजनेल डिफ्रेक्शन। तो सिंपल याद रखना है, अगर स्लिट से स्क्रीन और सोर्स की डिस्टेंस अगर फाइनाइट हो, निश्चित हो, तो फ्रेजनेल डिफ्रेक्शन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा कहलाता है बेटा फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, ये क्या होता है इसको समझते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। स्लिट
सेकेंड टाइप इज फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन। ओके, फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन। तो बेटे फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में अगर अगर सोर्स से स्लिट, मतलब स्लिट से सोर्स और स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो, तब हम क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन कहते हैं। ठीक है, इफ इफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन स्क्रीन फ्रॉम दी स्लिट इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फ्रॉनहॉफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फ्रॉनहॉफर डिफ्रेक्शन में सोर्स और स्क्रीन की दूरी स्लिट से इनफाइनाइट होती है और उसमें फाइनाइट होती है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, फ्रॉनहॉफर डिफ्रेक्शन और उसमें सिंपल। आगे बात समझ में? एक चीज और याद रखना कि फ्रॉनहॉफर डिफ्रेक्शन में जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड। प्लेन वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़े थे, उसमें से प्लेन वेव फ्रंट यूज होता है। किसमें? फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे। तो ये जो दो टाइप के हमने डिफ्रेक्शन पढ़ा, फ्रेस्नेल और ये, इसमें से फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो बात करेंगे हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन के बारे में। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन हम लोग सिंगल स्लिट पर काम करते हैं। सिंगल स्लिट यानी एक सिंगल ओपनिंग, ठीक है, एक छोटा सा ओपनिंग, उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें दो स्लिट थे, यहां पर उसके बदले में सिर्फ एक स्लिट रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलो यहां पर बात करते हैं फ्रॉनहॉफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रॉनहॉफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करते हैं समझ लो पहले। तो एक सिंगल ओपनिंग है यानी एक सिंगल स्लिट है, सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या किया बेटा, एक ओपनिंग हमने ले ली। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग। ओके ठीक है भाई, अब क्या होगा अगर यहां पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। मैंने आपको बोला ना फ्रॉनहॉफर में कौन सा वेव फ्रंट यूज होता है? प्लेन वेव फ्रंट। तो ये हुआ बेटा प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और रे क्या होता है उसके ऊपर? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ? रे का काम हुआ। ये रे का काम किया। तो एक टाइम टाइम पर क्या होगा बेटा, ये जो वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट वो यहां आ जाएगा, है ना। जब यहां पर आएगा उसके बाद इस ये जो कॉर्नर है इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स, यहां पर इनका क्या होगा? बेंडिंग होगा, डिफ्रेक्शन होगा। उस डिफ्रेक्शन की वजह से यहां पर एक स्क्रीन रखते हैं अपन, है ना, स्क्रीन। ठीक, मान लो स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? कैपिटल डी ले लिया। और इस ओपनिंग का जो विड्थ है वो क्या है बेटे? मान लो ए है, विड्थ जो है ओपनिंग का वो ए है। आगे बात समझ में? तो प्लेन वेव फ्रंट का कितना हिस्सा पार होगा? जितना ओपन है उतना ही हिस्सा तो पार होगा। तो ए विड्थ जो है वो पार होगा वेव फ्रंट का। आगे बात समझ में? फिर अपन क्या करते हैं बेटे, यहां पर एक लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं जो फोकसिंग लेंस का काम करता है। फोकसिंग लेंस मतलब हमारा जो ये आएगा पैटर्न आएगा, जैसा आपको इंटरफेरेंस में पैटर्न मिलता था वैसा ही आपको यहां पर भी एक पैटर्न मिलता है, लेकिन वहां से ये डिफरेंट होता है। तो इसको डिफ्रेक्शन पैटर्न और उसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हाल हो गया बेटा। आगे बात समझ में? तो इसका जो मिड पॉइंट है उससे अपोजिट स्क्रीन पर जो पॉइंट होगा वो कहला जाएगा जो हमारा स्क्रीन है उसका सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट। आगे बात समझ में? तो देखो बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, याद करो आप वो थ्योरी, कौन सी थ्योरी? हाइजिंस प्रिंसिपल।
ठीक है, हाइजीन प्रिंसिपल। तो हाइजीन प्रिंसिपल में क्या कहा गया था बेटा, कि जो एक वेब फ्रंट गिवन है उसके हर एक पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, न्यू सोर्स मान सकते हो, फ्रेश सोर्स मान सकते हो, जो नए नए वेवलेट्स को, नए नए वेवलेट्स को प्रोड्यूस करता है, नए नए डिस्टरबेंसेस को प्रोड्यूस करता है, जिसको आप सेकेंडरी वेवलेट या फिर ठीक है सेकेंडरी वेवलेट कहते हो। ठीक है, तो यहां से इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इस वेव फ्रंट के, है ना, जो इंसिडेंट हो रहा है वेव फ्रंट, उसके हर एक पॉइंट से क्या होगा, नए नए वेव्स निकलेंगे, और वो वेव्स यहां पर क्या होते हैं बेटा, आपस में इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस की वजह से कहीं पर कंस्ट्रक्टिवली, कहीं पर डिस्ट्रक्टिवली, तो कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, ऐसे फ्रिंजेस मिलेंगे, ऐसे बैंड्स मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्रेक्शन पैटर्न बोलेंगे। समझ गए बात को? अब देखो यहां से लाइट कैसे जाएगी। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो पॉइंट है वहां से एक लाइट ऐसे गई, ये वाला जो पॉइंट है यहां से लाइट ऐसे गई, यहां से जो पॉइंट है उससे लाइट ऐसे गई, ठीक है, आगे बात समझ में आपको। और फिर ये यहां से ऐसा, ये यहां से ऐसा, और ये यहां से ऐसा गया, ठीक है, ये सभी यहां जाकर के मिले। तो आप मुझे बताओ कि ये जो है, ये है ना ऐसा, तो आप मुझे बताओ कि ये तीनों का जो पाथ है सेम है कि डिफरेंट है, तीनों का जो पाथ है वो सेम है कि डिफरेंट है। तो बेटे ये तीनों का पाथ सेम है, याद करो मैंने बताया था ऑप्टिकल पाथ है ना, तो ये ज्योमेट्रिकली डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ऑप्टिकली क्या है बेटे, उनके पाथ सेम है, तो ऑप्टिकली दे आर इक्वल है ना बेटे, ऑप्टिकली दे आर इक्वल, तो यहां पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। तो इस पॉइंट से जो वेव निकलेंगे, इस पॉइंट से जो वेव निकलेंगे, इस पॉइंट से जो वेव निकलेंगे, मतलब हर एक पॉइंट से जो वेव निकलेगा वो यहां कैसे मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे, है ना, आ रही बात समझ में, यहां कैसे मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो उनका क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा उनका, मैक्सिमम फॉर्म होगा, मतलब यहां पर जो है आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगा। तो यहां पर जो फॉर्म होता है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस वाला मैक्सिमा बनता है, इसको अपन सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो उसका सेंटर है वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाता है। आ गई मेरी बात समझ में आप सभी को? ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये आपके दिमाग में आएगा कि सर पहले जो कर रहे थे इंटरफेरेंस में वो भी तो ऐसा ही कर रहे थे, इसमें क्या डिफरेंट है? तो एक बहुत सी बेसिक सी डिफरेंस है इसके बीच में। वहां पर बेटे दो स्लिट्स होते थे, और उन दोनों स्लिट्स को हम लोग क्या कहते थे कि ये दोनों स्लिट जो है कोहेरेंट सोर्सेस हैं, मतलब हम उनको, उन दोनों को दो डिफरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते थे, ठीक है, और उन दोनों से जो लाइट आती थी वो आपस में टकराते थे, मिलते थे, इंटरफेयर करते थे, और इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता था। तो दो डिफरेंट सोर्सेस के वेव्स आकर के आपस में इंटरफेयर करते थे तो इंटरफेरेंस होता था। बट यहां क्या हो रहा है, यहां एक ही वेव फ्रंट है ना, एक ही ओपनिंग है, एक ही वेव फ्रंट है, उसी वेव फ्रंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से आती हुई वेव्स आपस में क्या हो रही है, इंटरफेयर कर रही है। ये भी इंटरफेरेंस ही है, लेकिन वहां पर इंटरफेरेंस किसके किसके बीच होता था, दो अलग अलग सोर्सेस से आती हुई S1 और S2 से आती हुई वेव्स का इंटरफेरेंस था। यहां क्या है, सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आती हुई वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो ये मेन मेजर डिफरेंस है किसके किसके बीच में, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में। तो हमें क्या समझ में आया बेटा, कुछ भी हो जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स का क्या, ठीक है, बाकी पॉइंट्स का क्या। मान लो यहां पर कहीं पर एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने बेटे, हाँ ये पॉइंट पकड़ लिया P, इसको मैंने बोला कि सेंटर से कितना है, Y है, ठीक है। तो अब लाइट कैसे पहुंचेंगे, तो अब ये ऐसे पहुंचेंगे, ये मान लो ऐसा बेंड हो गया है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है तो वो कॉर्नर पर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ये ऐसे बेंड हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, इस तरीके से बेंड हो करके, और ये मान लो ऐसा पहुंच रहा है, ये इस तरीके से पहुंच रहा है, और ये इस तरीके से पहुंच रहा है, ठीक है, यहां पर। तो ये तीनों जब, ये जब मिलेंगे यहां पर बच्चे, तो क्या होगा, फिर से इंटरफेरेंस होगा। तो अब जो इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा है ना, वो किस तरीके से इंटरफेयर करेंगे और वहां पर क्या बनेगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वहां पर, उसके सेंटर पर, ये चीज तो श्योर हो गया, ठीक है बच्चे।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, एक सिंगल स्लिट होता है जिसका विड्थ ए है ना, सिंगल स्लिट होता है जिसका विड्थ ए है, और स्लिट से स्क्रीन के बीच का दूरी क्या है बेटा, कैपिटल डी है। एक हम फोकसिंग लेंस यूज करते हैं, बस हो गया, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, चलो अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो पहली चीज तो होती है कि सेंट्रल मैक्सिमा होता है। सेंट्रल पॉइंट पर क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है, और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके अलावा किसी पॉइंट पर हम देखें तो वहां क्या क्या बन सकता है, इसको अपन को देखना है। चलो ध्यान से देखो बेटा, तो मान लिया बच्चे कि यहां पर ये जो बेंडिंग है वो थीटा का हुआ, ये बेंडिंग क्या हुआ, थीटा का हुआ, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप अगर गौर से देखो बेटा, मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ये ऐसा मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ऐसा मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो जो वेव फ्रंट बेटे, जो वेव फ्रंट ऐसा था, अब वो वेव फ्रंट क्या हो गया, ऐसा हो गया, है ना बच्चे, समझ रहे हो, वो वेव फ्रंट क्या हो गया, बेंड हो गया। अब अगर आप देखोगे कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा बेटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज थीटा, और ये वाला चीज क्या है बेटा, ए। तो ये अगर ए है तो ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाता है, ए साइन थीटा, है ना। और ये ए साइन थीटा क्या, मैंने क्या बोला बेटा, अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया है तो इससे इधर पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। इधर का पाथ क्या है, बराबर है, इतना पाथ इसको क्या चलना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा। तो दिस ए साइन थीटा इज, दिस ए साइन थीटा इज पाथ डिफरेंस, है ना। कहां कहां के बीच में बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, और इसका जो मिड पॉइंट है उसका नाम क्या है, सी है, तो ए बी जो है उसका, ए और बी के बीच में टोटल पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, ए साइन थीटा, ठीक है। आधी बात समझ में, ए साइन थीटा है। अब ध्यान से सुनना, ए साइन थीटा इसके बीच में पाथ डिफरेंस है, ओके, क्लियर। तो इसके इसके बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा बेटा, इसके और इसके बीच में, तो ये a है तो ये क्या हो जाएगा, a by 2, है ना। तो ये a by 2 cos theta और ये हो जाएगा a by 2 sin theta, है ना बेटे, क्या हो जाएगा, a by 2 sin theta। तो देख रहे हो यहां से यहां पर कितना है, आधा हो गया। जब हमने इसको आधा पोर्शन लिया तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो गया, आधा हो गया, नहीं समझा, है ना। ये टोटल a था तो ये क्या आया, a sin थीटा, ये यहां पर से लूंगा तो a by 2, तो ये क्या हो जाएगा, a by 2 sin थीटा। अब इसके इसके बीच में पाथ डिफरेंस क्या आएगा, a by 2 sin थीटा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि पाथ डिफरेंस क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है ना, पाथ डिफरेंस क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, क्लियर है। अगर मैं आधा पोर्शन लूंगा तो पाथ डिफरेंस आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। नाउ व्हाट, अब समझो, अगर मैं इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है कितना है, a sin थीटा, ध्यान से देखना, a sin थीटा पाथ डिफरेंस डेल x इक्वल टू क्या है, a sin थीटा। उसको मान लो मैंने मान लिया कि कितना है, लैम्डा, है ना, क्या मान लिया कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, समझ गए इतनी बात, ओके। तो टोटल पाथ डिफरेंस a से b के बीच में कितना है, a sin थीटा है, जो कि हमने कितना ले लिया, लैम्डा, यानी यहां से यहां के बीच में पाथ डिफरेंस हमने क्या माना, लैम्डा माना, बहुत अच्छे। अब अगर मैं इस टोटल को दो पार्ट में बांट दिया, AC और BC, है ना, ऐसे दो पार्ट कर दिए, तो बताओ A से B के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा, तो A से C के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, लैम्डा बाय 2। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2, ध्यान से समझना, ठीक है। तो बच्चे इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, जो कि क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। अब हमने पढ़ा है कि अगर दो वेव्स आपस में टकराएं जिनके बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, तो वो दोनों कैसे इंटरफेयर करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, मिनिमा फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे बेटे, मिनिमा फॉर्म करेंगे। आगे बात समझ में, सिमिलरली आप देखोगे तो इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट और इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट, उसके बीच में भी क्या होगा बेटा,
है ना, जितना दूरी इसके बीच में था उतना ही दूरी तो इसके बीच में भी होगा, है ना। तो इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाई टू। वो दोनों भी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव, इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद, उसके बीच भी सेम, इसमें चलते चलते सबसे नीचे वाले में आ गए और इसमें चलते चलते सबसे नीचे वाले में आ गए, तो भी उनके बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर देख रहे हो कि एक हाफ के हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे हाफ में एक ऐसा पॉइंट है जो आपस में एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिवली मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, मिनिमा फॉर्म कर देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाता है बेटा, मिनिमा बन जाता है, क्या बन जाता है, मिनिमा बन जाता है। इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट मिनिमा फॉर्म करना, है ना, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। आगे बात समझ में। अब मान लो मैंने इसको 2 लेमडा माना, ठीक है, इफ वी अज्यूम इट टू बी 2 लेमडा, ठीक है, अगर मैंने इसको 2 लेमडा माना और ये जो पाथ था है ना उसको मैंने 4 पार्ट किए, अब 1 2 है ना, ऐसा 4 पार्ट किए, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में कितना है बेटा, 2 लेमडा का डिफरेंस है ना, ये है ना 0 और ये 2 लेमडा। तो इसके इसके बीच में क्या होगा बेटा, लेमडा, इसके इसके बीच में क्या होगा, लेमडा बाई टू, है ना, इसके बीच में क्या होगा, लेमडा बाई टू, ये क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बाई टू, ऐसा हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि आप देख रहे हो उसी के कोरस्पॉन्ड, उसी के रेशियो में आपका क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो बेटे आप अगर देखो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा बाई टू। तो सिमिलरली इससे और इसके बीच में क्या होगा, लेमडा बाई टू। तो ये और ये इसको एक दूसरे को मार देंगे, ये इसके मार देंगे, इसी तरीके से ये पार्ट इस पार्ट को, ये पार्ट इस पार्ट को, है ना, आपस में क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देगा, मिनिमा फॉर्म कर देगा। तो इस बार जो मिनिमा बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सेकेंड ऑर्डर का मिनिमा बनेगा। तो इसको कहते हैं मिनिमा फॉर्म करना, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं, डायग्राम को बनाना है, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है आपको जो मैंने आपको बोला, और ऐसे आगे बढ़ना है। सी सी दिस, पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो आपने देखा बेटा कि पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, ए साइन थीटा, है ना, पाथ डिफरेंस क्या है, ए साइन थीटा। तो अभी आपने देखा जैसे ए साइन थीटा मैंने क्या लिया, लेमडा लिया, तो आपने देखा मिनिमा फॉर्म हुआ। आपने देखा 2 लेमडा लिया तो भी मिनिमा फॉर्म हुआ, अगर मैंने 3 लेमडा लिया होता तो भी क्या करते बेटा, उसके 6 पार्ट कर देते, हर एक पार्ट लेमडा बाय टू का होता, एक लेमडा बाय टू दूसरे लेमडा बाय टू को, दूसरा लेमडा बाय टू तीसरे लेमडा बाय टू को, आगे वाला ऐसा। तो 3 लेमडा, ये ऐसे 6 पार्ट जो है तीन तीन करके आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हो, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा, ऐसे के सभी में क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, ठीक है। तो इन जनरल मैं इसको क्या कह सकता हूं, है ना, एन लेमडा, है ना, डेल एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, जहां पर एन इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो आपको क्या मिलता चला जाएगा, पोजीशन ऑफ मिनिमा मिलता चला जाएगा, ठीक है। देयरफोर फॉर फर्स्ट मिनिमा आप क्या रख लोगे बेटा, n इक्वल टू 1 रख लोगे, देयरफोर a साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ठीक है बेटा, a साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। देयरफोर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाय a हो जाएगा, अगर है ना ये थीटा क्या है बेटा, बहुत छोटा है ना, ये थीटा क्या है, बहुत छोटा है, तो है ना साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले सकता हूं, थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाय ए हो जाएगा, है ना बच्चे, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाय ए। अब देखो चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो आप उसको टेन थीटा भी मान सकते हो, टेन थीटा मानोगे तो परपेंडिकुलर हो गया वाई और बेस हो गया डी, तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वाई बाय डी, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो लेमडा डी बाय ए, ठीक है, लेमडा डी बाय ए। तो ये जो पार्ट आ रहा है y इक्वल्स टू फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा जो फॉर्म हो रहा है
वो कितना हो रहा है लैम्डा डी बाय ए, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है बेटा कि जब ये बेंड करता है तो सिर्फ इसी कॉर्नर पे नहीं, सेम चीज इस कॉर्नर पे भी होगा, है ना, सेम चीज इस कॉर्नर पर भी होगा, तो सेम पॉइंट पी इधर भी मिलेगा मुझे, है ना बच्चे, सेम पॉइंट पी क्या होगा मुझे इधर भी मिलेगा, ठीक है, और वहां पर भी क्या होगा सेम दूरी पर हमें एक मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, दोनों साइड मिनिमा मिल रहा है आपको, है ना, दोनों साइड क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, ये जैसा हुआ है उसी तरीके से इधर भी होगा, और इस पूरे रीजन में क्या, यहाँ पर मिनिमा फॉर्म हुआ, तो इस पूरे रीजन में क्या है, इस पूरे रीजन में क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका सेंट्रल मैक्सिमा है ऐसा, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपने देख लिया बेटा पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से आपको दिख जा रहा है, ये लेमडा डी बाई ए ऊपर हुआ तो ये लेमडा डी बाई नीचे भी होगा, लेमडा डी बाई ए, ओके। तो ये जो पूरा रीजन हो गया वो हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा का। तो मिनिमा फाइंड आउट करना हो यू यूज दिस फॉर्मूला, है ना, और दूसरा जो चीज बनेगा यहाँ पर वो है सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा आप समझ गए बेटा, इसमें जो भी तीसरा चाहिए तो यहाँ पर 3 यूज करोगे, चौथा चाहिए आप 4 यूज करोगे, पांचवा चाहिए 5 यूज करोगे, इस तरीके से आपको मिनिमा मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंड जो है वो क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोल सकते हैं कि जहां पर ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या रहेगा जीरो, ठीक है, इफ ए साइन थीटा इक्वल टू जीरो, पाथ डिफरेंस जहां जीरो होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, इफ ए साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म, सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन आपने देखा ना, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन आया, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा जीरो लेमडा यानी जीरो, ठीक है, तो ए साइन थीटा इक्वल टू जीरो आपको सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि सेंट्रल मैक्सिमा जैसे वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या निकालते थे बेटा, फ्रिंज विड्थ निकालते थे, वैसे ही यहां पर क्या हम इस मैक्सिमा का विड्थ निकाल सकते हैं, तो यस अगर हमें इस मैक्सिमा का विड्थ निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये निकालना हो मान लो, तो डब्ल्यू से शो कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसको डिफाइन कैसे करोगे, सबसे पहले विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को अगर डिफाइन करना हो तो दोनों साइड जो फर्स्ट मिनिमा बना है, दोनों साइड जो फर्स्ट मिनिमा बना है उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसके बीच की जो चौड़ाई है वो सेंट्रल मैक्सिमा की है, तो इसको डिफाइन करने अगर बोला जाए तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज दी स्पेस बिटवीन दी फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये इसका क्या हो गया बच्चे, डेफिनेशन हो गया, है ना, डेफिनेशन क्लियर है, ओके। और क्या कर सकते हैं, अब है कितना ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहां से लेके यहां तक ये लैम्डा डी बाय ए, ये लैम्डा डी बाय ए टोटल कितना हो गया, टू टाइम्स लैम्डा डी बाय ए, सो पाथ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हियर इज ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रेक्शन पैटर्न में जो आएगा वो होगा देखो बेटा टू टाइम्स लेमडा डी बाय ए, ठीक है, टू टाइम्स लेमडा डी बाय ए, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छे से समझ गए हम लोगों ने,
ठीक है, ये समझ में आ गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा तो मिनिमा देख लिया, मिनिमा कहाँ कहाँ बनेगा वो भी देख लिया, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो भी देख लिया, कितना चौड़ा बनेगा वो भी देख लिया, क्या और बाकी मैक्सिमा भी बनेगा? जो बाकी अदर के मैक्सिमाज होंगे उसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्स सॉरी पोजिशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब फिर से समझो बेटा, अगर ये जो ए साइन थीटा उनके बीच का पाथ डिफरेंस है उसको मैं ले लूं इक्वल टू थ्री लेमडा सॉरी थ्री लेमडा बाई टू, क्या ले लिया मैंने, थ्री लेमडा बाई टू, और इसके मैंने तीन पार्ट कर लिए, ठीक है, ऐसा तीन पार्ट कर लिया, ठीक है बच्चे। तो इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा लेमडा बाई टू, है ना, ये हो जाएगा लेमडा और ये हो जाएगा थ्री लेमडा बाई टू, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाई टू का, तो ये दोनों कट मर जाएंगे, इसके बाद वाले को फिर से लेमडा बाई टू, और इसका लास्ट वाला इस लास्ट वाले, तो ये पोर्शन क्या कर लेगा, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन बचेगा थर्ड वाला उसको नलीफाई करने के लिए कोई नहीं है, है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो रोशनी वहां पर पहुंचने वाला है ना, कुछ ना कुछ तो रोशनी पहुंचने वाला है, तो इसके पहुंचने की वजह से वहां क्या होगा, वहां पर एक मैक्सिमा फॉर्म होगा, लेकिन लेकिन ये मैक्सिमा इसके जितना ब्राइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पूरी लाइट पहुंची थी बेटा, लेकिन यहां क्या हो रहा है देखो, ये पार्ट तो खत्म हो गया, एक ही पार्ट पहुंचा ना, मतलब वन थर्ड पार्ट ही लाइट पहुंच रहा है, वन थर्ड पार्ट ही लाइट पहुंचेगा तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, यानी जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे उसके जो इंटेंसिटी है वो घटते चले जाएंगे, सेंट्रल मैक्सिमा का मैक्सिमम होगा, बाकी के जो मैक्सिमा बनेंगे उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, जितना ज्यादा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा होगा उतना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इसी प्रकार से बेटा, अगर मैं 5 लैम्डा बाय 2 ले लिया, है ना, ऑड मल्टीपल्स लेता जा रहा हूं मैं, 5 लैम्डा बाय 2 ले लिया, देन व्हाट, तो बेटे मैं अगर इसके 5 पोर्शन करूंगा तो 4 पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और आखिरी का जो लैम्डा बाय 2 है वो वाला नहीं कैंसिल होगा, तो उसके वजह से बनेगा, है ना। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, यहां पर भी कुछ ना कुछ लाइट पहुंचेगा, उसके वजह से आपको इंटेंसिटी कुछ ना कुछ दिखेगी, है ना, तो वहां पर मैक्सिमा फॉर्म होगा। लेकिन क्या हो रहा है, 5 पार्ट थे उसमें से 4 पार्ट मर गए, एक ही पार्ट पहुंच रहा है, यानी 1/5 ही लाइट पहुंच पा रही, तो इंटेंसिटी और घट गई बेटा, इसी तरीके से आगे होता चला जाएगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस था a sin थीटा उसको क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी 2n-1 लैम्डा बाय 2 अगर लिया, 2n+1 लेना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर के 3 लैम्डा बाय 2 से स्टार्ट हुआ। तो 2n+1 लैम्डा बाय 2 यहां से लिया, जहां पर n इक्वल्स टू क्या करोगे, 1 2 3 एंड शो ऑन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलता चला जाएगा बेटा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अच्छे से समझ गया, तो देखो हमने डिफ्रेक्शन के केस में, है ना, डिफ्रेक्शन के केस में जो तीन चीजें होती थी, है ना, वो सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो बीच वाला जो है सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा, उसके बाद वाला क्या है, उसके बाद आपको मिनिमा मिल रहा है, फिर से आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, है ना बेटा, उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा ये जो हमने दिखाया है वो हम उसको मैक्सिमा इंटेंसिटी को दिखा रहा हूं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर आपको क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट के बाद सेकंड मिनिमा मिलेगा, फिर आपको, है ना, एक सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, फिर आपको थर्ड मिनिमा मिलेगा, और ये इस तरीके से घटता चला जाएगा, सिमिलरली इधर होगा ऐसा, फिर फाइनली क्या हो जाता है बेटा, है ना, वो खत्म हो जाता है ना, इस उसके बाद फिर एक दो दो तीन चार बुक के बाद वो खत्म होता चला जाता है, मतलब इसका जो पैटर्न मिलता है ना वो आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं मिलता, इंटरफेरेंस में क्या होता है बहुत लंबा चौड़ा मिलता है, ना? उसमें इंटेंसिटी भी क्या होता था, सबका इक्वल होता, सारे ब्राइट का इक्वल, सारे डार्क का इक्वल, यहाँ पर अलग अलग होता है, ठीक है, इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, ना तो उसकी विड्थ इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछता है और इनके पोजीशंस पूछे जा सकते हैं, आगे बात समझ में आपको। यहाँ पर एक प्रकार से और सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछा जाता है, वो है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी दिस एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ
ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये भी पूछा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको थीटा से यहां पर अगर देखो तो इधर थीटा तो टोटल कितना हो जा रहा है बेटा, टू थीटा, है ना। अभी की सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, ये टू थीटा, अगर मैं इसको थीटा लूंगा ये टू थीटा कहलाएगा। आगे बात समझ में, तो एंगुलर विड्थ यहां पर क्या होगा बेटा, टू थीटा होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे बेटा टू थीटा, तो ध्यान रखना थीटा इक्वल टू क्या आया था, लेमडा बाय ए आया था ना, थीटा इक्वल टू क्या आया था, लेमडा बाय ए आया था। तो ये क्या हो जाएगा, टू लेमडा बाय ए। इसको आप दूसरे तरीके से, इस तरीके से बोल सकते हो, एंगुलर विड्थ अपॉन कैपिटल डी, सॉरी लीनियर विड्थ अपॉन कैपिटल डी। तो लीनियर विड्थ कितना आया था बेटा, टू लेमडा डी बाय ए अपॉन डी करोगे तो देखो वही आया, टू लेमडा बाय ए। तो इसको दो डिफाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो लीनियर विड्थ अपॉन कैपिटल डी करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमम, टू लेमडा बाय ए। अच्छे से समझ में आया बच्चे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि इतने, मतलब इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है उसमें कितने फ्रिंज विड्थ बनेंगे। मतलब यहां पर अगर मान लो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों हो रहे हो, है ना, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों हो रहे हो तो इसमें कितने फ्रिंजेस बनेंगे। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस देख लो, है ना, पहले सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और उसके बाद जो इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विड्थ बनता था उसके फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें समझ में आ गया बेटा कि डिफ्रेक्शन क्या होता है। ओके, आगे हम लोग बात करें, किस चीज की बात करें, एक आध एग्जांपल्स ले लें। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि देखो क्या बोल रहा है बेटा, एग्जांपल 10.40, एग्जांपल 10.40, क्या कह रहा है बच्चे, ये स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, है ना, सिंगल स्लिट से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया बेटा, तुम्हारा कैपिटल डी हो गया 50 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है कि विच इज इल्यूमिनेटेड विद अ 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट। तो लेमडा दे दिया बेटा आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, इफ डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज 3 mm। तो बोलता है फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मिनिमा, फर्स्ट और थर्ड मिनिमा, तो y3 - y1 इक्वल टू क्या बोल रहा है, 3 mm है, 3 mm है। ओके, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है, विड्थ ऑफ द स्लिट यानी ए पूछ रहा है, विड्थ ऑफ स्लिट को ए माना था हमने, ए पूछ रहा है आपसे। आगे बात समझ में बेटा, तो चलो कैसे करें, तो आपने देखा था बेटा पोजीशन ऑफ मिनिमा, है ना बेटे। तो आया था ए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आया था बच्चे, एन लेमडा आया था ना, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। तो साइन थीटा यानी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, एन लेमडा बाई ए, है ना। और फिर हमने थीटा क्या देखा था, वाई अपॉन डी, तो y अपॉन डी इक्वल टू एन लेमडा बाई ए। तो देयर फोर वाई बराबर क्या आया था, एन लेमडा डी बाई ए आया था ना बच्चे, ठीक है। तो पहला कहाँ मिलेगा बेटा, तो जब n इक्वल टू 1 रख लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा डी बाई ए। और थर्ड कहाँ मिलेगा, जब मैं y 3 n की जगह 3 रख दूंगा तो 3 लेमडा डी बाई ए। तो देखो y 3 माइनस y 1 क्या हो गया, है ना, इन चीजों को यहां पर पुट करो, देयर फोर y 3 के बदले 3 लैम्डा डी बाई ए माइनस ये क्या हो जाएगा, वाई वन लैम्डा डी बाई ए इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 3 mm, 3 × 10⁻²। ओके, तो ये क्या बच गया बेटा, 2 लैम्डा डी बाई ए इज इक्वल टू 3 × 10⁻³। तो 2
लैम्डा कितना है आपके पास? 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको करोगे तो 6 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो है ना 6 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 हो जाएगा। डी कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? 0.5 मीटर लिख सकते हो। और ए अपने को पता नहीं है ना बेटा, ए अपने को पता नहीं, वही तो निकालना है। तो 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, ठीक है। तो ये 3 और ये 3, ये 3 टू जा हो गया बेटा, और ये माइनस 3 ये माइनस 4 हो जाएगा। तो देयर फोर ए इक्वल टू क्या हो गया? 0.5 और 2 1 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू बचा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर, यानी 0.2 मिलीमीटर। तो विड्थ ऑफ सेंटर, विड्थ ऑफ स्लिट जो है वो क्या रहा है? 0.2 mm आ रहा है, विच इज करेक्ट। समझ गए बेटे? तो बस सिंपल ही आपको रूल्स लगाने हैं और आपको आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है ना बच्चे? ठीक है, ऐसे सिंपल ही क्वेश्चंस रहेंगे, आप आसानी से कर लोगे। क्लियर है? विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, आप आसानी से रखोगे, आ जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब जैसा कि आपने देखा बच्चे कि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता था, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता था कि जितने भी फ्रिंजेस बनते थे सबकी इंटेंसिटी सेम होते थे। जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे सबकी इंटेंसिटी सेम होगी, जितने भी डार्क फ्रिंजेस होंगे सबकी इंटेंसिटी सेम होगी, है ना बच्चे। और विड्थ भी उनका क्या होता था? सेम होता था, सबका लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता था। यहां पर ऐसा नहीं है, है ना, यहां पर ऐसा नहीं है। तो मैंने जैसा बोला सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बाकी जो अदर मैक्सिमम्स बनेंगे उनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, ये ऐसा एक छोटा सा होल है और इधर स्क्रीन है आपका, है ना, इधर क्या है? स्क्रीन है। तो आपने क्या देखा, मैक्सिमा कैसे बनता था? इस तरफ से मैक्सिमा बनता था, है ना, लाइक दिस, है ना, ऐसा मैक्सिमा बनता था। ये फर्स्ट मिनिमा, ये इधर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, दोनों तरफ मिनिमा बनेंगे, मिनिमा बनेंगे, फर्स्ट मिनिमा। तो आपने क्या देखा बच्चे कि इसको हमने क्या लिया? थीटा। इसको भी हमने क्या लिया? थीटा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? टू थीटा बोल सकता हूँ, है ना बेटे, इसको क्या कह सकता हूँ? टू थीटा। अब अगर किसी ने इसको सिंगल एंगल माना, समझो समथिंग बीटा, किसी ने इसको सिंगल एंगल माना समथिंग बीटा, तो थीटा क्या कहलाएगा बेटा? बीटा बाई टू कहलाएगा, है ना, तो क्या कहलाएगा? बीटा बाई टू कहलाएगा। तो आप देखना कि वो उसमें क्या बोला जा रहा है ना, ये टोटल एंगल दिया है या एक साइड का एंगल दिया, हाफ एंगल, है ना, एक साइड का एंगल देगा तो हाफ एंगल कहलाएगा, और टोटल एंगल देगा तो जो थीटा है वो हाफ एंगल है और बीटा क्या है? वो फुल एंगल है। समझ गए बात? तो ये आप, अगर मैं बीटा लिया दैट मींस कि हमने एंगुलर विड्थ लिया, किसका? सेंट्रल मैक्सिमा का। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हुआ क्या चीज? बीटा। एंड थीटा क्या हुआ? हाफ विड्थ हुआ। थीटा क्या हुआ? हाफ विड्थ। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखो इसको कैसे ये करना है। तो इंटेंसिटी जो होता है, क्या बोल रहा हूं, मेरा टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इंटेंसिटी of intensity of diffraction pattern, diffraction pattern, ठीक है बच्चे। तो किसी का भी आपको इंटेंसिटी निकालना हो तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना, इसको प्रूव रूव करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा बाई टू अपॉन बीटा बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा बाई टू अपॉन बीटा बाई टू का होल स्क्वायर, जिसमें आपको बीटा समझ में आ रहा है बेटा क्या है? तो बीटा है एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये समझ में आ गया अपने को। और आई नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका होता है? सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर आपको ये दो चीजें गिवन है तो आप किसी भी मैक्सिमा की इंटेंसिटी पता कर सकते हो, ठीक है, किसी भी इंटेंसिटी उसका जो है इंटेंसिटी पता कर सकते हो। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है ना। तो बच्चे एक चीज और देखो, जैसा कि हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़े थे, है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़े थे, तो वहां पर हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था,
याद है आपको, वहां पर हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, यहां पर भी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो कैसे दिखा सकते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन डिफ्रेक्शन पैटर्न, डिफ्रेक्शन पैटर्न। ओके, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो बच्चे मान लो इस पर मैंने इंटेंसिटी ले लिया, ठीक है, इस एक्सिस पर मैंने इंटेंसिटी ले लिया, और इधर मैं क्या ले रहा हूं, पाथ डिफरेंस, इधर क्या ले रहा हूं मैं, पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस में दिखा सकता हूं, फेज डिफरेंस में दिखा सकता हूं, वाई के टर्म्स में दिखा सकता हूं, तीन कैटेगरी लिए थे तो वैसे ही यहां पर भी कर सकते हैं अपन। तो आपने क्या देखा बेटा, जीरो पर आपको क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है ना बच्चे, जीरो पर क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। फिर आपने देखा कि जब पाथ डिफरेंस हम क्या लेते हैं, एन लेमडा, तो आपको क्या मिलता है, मिनिमा। ठीक है, तो एन लेमडा प्लस वन रखूंगा तो इधर लेमडा और इधर लेमडा, फिर ये माइनस में होगा इस साइड, है ना, ये टू लेमडा, इधर माइनस टू लेमडा, इधर थ्री लेमडा, इधर माइनस थ्री लेमडा, इधर फोर लेमडा, इधर माइनस फोर लेमडा। तो आपने देखा एन लेमडा का सिचुएशन होता था तो वहां क्या बनता था, मिनिमा बनता था। तो यहां पर है ना, ये यहां पर क्या बनेगा बेटा, मिनिमा बनेगा, फिर यहां पे क्या बनेगा, ऐसे मिनिमा बनेगा, सॉरी ये इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इससे कम होगा, उसी तरीके से इसका, फिर इसका उससे भी कम होगा, फिर इसका उससे भी कम होगा, इसका उससे भी कम होगा, और फिर फाइनली ऐसा खत्म हो जाता है। ठीक है, फाइनली ऐसा खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसके केस में। इसी को आप उसके टर्म में देखोगे बेटा तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, देखो ये क्या है, अगर आप इसमें देखो लेमडा बाई टू के टर्म में देखो तो ये टू टाइम्स लेमडा बाई टू, ये फोर टाइम्स लेमडा बाई टू, ये सिक्स टाइम्स लेमडा बाई टू, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू हो रहा है। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, इसको फेज में चेंज करोगे तो क्या आएगा पता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये पाई टू पाई, सॉरी ये हो जाएगा आपका टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई एंड सो ऑन, है ना। पाई के टर्म में करोगे तो माइनस टू पाई, माइनस फोर पाई, माइनस सिक्स पाई, माइनस एट पाई, ऐसा हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये रही कहानी बच्चे ओके डिफ्रेक्शन पैटर्न की। अब देखो बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने अगर एक छोटा सा स्लिट लिया, स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग लिया, और इधर मान लो स्क्रीन है ना बच्चे, और वेव फ्रंट हमने क्या लिया था, प्लेन लिया था, प्लेन वेव फ्रंट लिया था, तो मतलब रेस कैसे आएंगे, रेस तो ऐसे आएंगे पैरेलल। अगर मान लो कि लाइट रे ऑप्टिक्स को फॉलो करो, तो पूरा रे ऑप्टिक्स इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो अगर मैं रे ऑप्टिक्स को वैलिड मानूं तो लाइट क्या होगा, यूं चलेगा, लाइट क्या होगा, यूं चलेगा। ठीक है, ऐसा इस तरीके से लाइट चलेगी, ये वाला रीजन लाइटेड रहेगा, इधर का रीजन क्या रहेगा, डार्क रहेगा, मतलब शैडो फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। लेकिन ड्यू टू ये क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन, है ना, ड्यू टू डिफ्रेक्शन, ओके, क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है, आपने देखा है ना, ये लाइट क्या हो जाएगा, ऐसा बेंड कर जाएगा।
है ना, इस तरीके से यहां पर क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। आगे बात समझ में, इस बेंडिंग की वजह से आपका जो लाइट है ना वो स्प्रेड कर गया है ना, ये लाइट क्या हो गया, स्प्रेड कर गया, ये इधर 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 और इधर 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 ऐसा स्प्रेड कर गया। आगे बात समझ में, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इसके बीच के विड्थ को क्या लिया था, ए लिया था, और ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, और ये हमने इसको क्या बोला, वाई बोला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल थीटा है ना, इसको क्या बोलेंगे, एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा। तो फ्रॉम डिफ्रेक्शन हमने सीखा है, क्या सीखा है बेटा, देखो इसमें डिफ्रेक्शन में जो मेन हमारे काम का चीज है वो सेंट्रल मैक्सिमा ही है, तो इतने रीजन में आपका सेंट्रल मैक्सिमा है ना, यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट मिनिमा, और इधर भी क्या है, फर्स्ट मिनिमा, तो मेन जो है यही 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 होता है, इसी में आपको चीजें दिखाई देती है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो फ्रॉम डिफ्रेक्शन हमको पता है, हमको ये पता है कि ये वाई कितना होता है, बताओ बेटा वाई क्या होता था, वाई होता है आपका लेमडा डी बाय ए, यही आया ना, लेमडा डी बाय ए आया, ठीक है, तो फ्रॉम डिफ्रेक्शन वाई इक्वल्स टू क्या आया, लेमडा डी बाय ए, उसमें वाई क्या है बच्चे, वाई क्या है, वाई है स्प्रेडिंग, है ना, इतना स्प्रेड हो गया है लाइट जो है हमारा, इतना स्प्रेड हो गया वाई जो है वो स्प्रेडिंग है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जब तक हम ये मानते थे कि रे ऑप्टिक्स फॉलो हो रहा है, तो हम ये मानते थे कि कोई स्प्रेडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, जब तक हम ये मानते थे कि रे ऑप्टिक्स फॉलो हो रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो कोई स्प्रेडिंग नहीं होता था। बट अब जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जो ये है स्ट्रेट लाइन में चलने की प्रॉपर्टी है, रे ऑप्टिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो नहीं पा रहा है ना बच्चे, वो फॉलो हो नहीं पा रहा है। तो सवाल उठता है कब तक हम रे ऑप्टिक्स माने, कब हम वेव ऑप्टिक्स माने, है ना, कब तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा और कब तक वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो इसके लिए हम एक डिस्टेंस मानते हैं, किसके बीच में बेटा, इस स्लिट और इस स्क्रीन के बीच में, स्लिट और इस स्क्रीन के बीच में एक डिस्टेंस मानते हैं डी, ठीक है, पता है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिस पर की, ओके, जिस पर ये जो स्प्रेडिंग है वाई वो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए इसके, किसके, विड्थ ऑफ स्लिट के, ठीक है, वो डी जिसके लिए स्प्रेडिंग ए यानी विड्थ ऑफ स्लिट से बड़ा या बराबर हो जाए, उसको हम लोग, बड़ा हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन जिसके लिए स्प्रेडिंग ग्रेटर देन हो जाए, क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ स्लिट से, इस डिस्टेंस को कहा जाता है बेटा फ्रेजनेल डिस्टेंस, क्या कहा जाता है, फ्रेजनेल डिस्टेंस। और यहां तक जो है यानी फ्रेजनेल डिस्टेंस तक, है ना, फ्रेजनेल डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है, और इससे ऊपर पर क्या हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स वैलिड हो जाता है। तो कब तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है, जब तक वाई इक्वल टू ए रहता है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या ये कहलाता है, डी एफ कहलाता है, यानी फ्रेजनेल डिस्टेंस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजनेल डिस्टेंस, फ्रेजनेल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। यहां तक आपका जो इस डिस्टेंस तक है ना, लाइट रे जो है वो रे ऑप्टिक्स को फॉलो करता है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करता है, रे ऑप्टिक्स को आप वैलिड मान सकते हो, इसके बाद में वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट कर जाता है, अब वो डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी शो करने लगेगी, ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलो बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज दी डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दी सोर्स, सॉरी फ्रॉम दी स्लिट, फ्रॉम दी स्लिट, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट सच दैट,
सच दैट स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रेक्शन ओके स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रेक्शन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्क्रीन ओके बिकम्स इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट ए इज विड्थ ऑफ स्लिट ए ठीक है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट सच दैट स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्रिंग सेंटर ऑफ स्क्रीन बिकम्स इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट ठीक है तो बच्चे तो आपको पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता लेना है आपको यहां पर a के बराबर लेना है और आपको पता है कि y कितना होता है लेमडा d बाय a होता है तो लेमडा d बाय a को क्या होना चाहिए इक्वल टू a होना चाहिए देयरफॉर लेमडा d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय लेमडा इस डी को क्या कहते हैं डी एफ कहते हैं यानी फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं तो अप टू डी एफ है ना अप टू फ्रेजनल डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड ऑप्टिक्स इज वैलिड एंड ग्रेटर देन डी एफ पर है ना रे ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड वहां पर वेव ऑप्टिक्स काम काम आता है रे ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना है आपको ओके तो ये कहानी भी समझ में आ गया फ्रेजनल डिस्टेंस का ठीक है एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कहानी खत्म हो जाएगी तो जेड एफ आप समझ गए बेटा है ना कितना आया ए स्क्वायर बाय लेमडा फ्रेजनल डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लेमडा वहां तक आपका वैलिड होगा उसके बाद नहीं होगा एक सिंपल सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हुआ मान लो बोल रहे हैं फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन अ प्लेन लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन अ सर्कुलर एपर्चर ऑफ विड्थ 2 mm ठीक है तो विड्थ ऑफ स्लिट क्या दे दिया बेटा 2 mm दे दिया और बोल रहा है कि कहां तक जो है रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा तो यानी जेड डी एफ कहीं कहीं जेड एफ भी लिखा रहेगा बेटा फ्रेजनल डिस्टेंस को तो आप जेड एफ बोल लो कोई दिक्कत नहीं वैलिड होगा और बोलते हैं कि लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर तो भाई सिंपल सा बात है आप जेड एफ निकाल लो यानी डी एफ निकाल लो इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा होता है तो 2 10^-3 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा 600 × 10^-9 तो ये हो गया बेटा 2 2 4 10^-6 600 × 10^-9 6 2 8 एक बचा बेटा है ना तो 4/60 सॉरी नहीं 1 था ना 4/6 × 10^-1 तो ये 40 हो जाएगा तो 40/6 सही करा ना मैंने तो 40/6 तो 6 6 36 और 6 point something आ जाएगा है ना क्या आ रहा है 6.7 meter करेक्ट ओके तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किस डिस्टेंस तक हमारा वैलिड होगा और कब नहीं होगा आगे बात समझ में बच्चे ठीक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है बेटा मान लो हमने एक इस तरीके से ऐसा हमने एक ये ले लिया प्लेन ले लिया और इस प्लेन में क्या किया बेटा मैंने इस प्लेन में ऐसे पतले पतले कट लगाए ठीक है ऐसे पतले पतले कट लगाए बहुत सारे ऐसा तो आपको क्या दिख रहे बेटे कई सारे स्लिट्स दिख रहे बहुत पतले पतले है ना तो ये कई सारे आपको क्या दिख रहे बेटे स्लिट्स के दिख रहे है ना
तो अपन क्या करते थे, दो स्लिट्स लिया करते थे, यहां पर क्या दिख रहे हैं आपको, कई सारे स्लिट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वली स्पेस्ड है ना, इक्वली स्पेस्ड, इक्वली एंड पैरेलली स्पेस्ड स्लिट्स होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, समझ गए इसको क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, है ना। तो इसको या तो ऐसे कट मार के बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक फ्रेम ले लें और उसमें वायर बांध दें, ऐसे वायर, तो वायर्स के बीच का जो स्पेस होगा वो ओपनिंग का काम करेगा, तो वो भी स्लिट्स का काम करेगा, तो इसको कहते हैं बेटा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ही समझना है कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है। तो इस तरीके से आपको डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग मिल जाता है। तो व्हाट इज डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, पैरेलली एंड इक्वली स्पेस्ड स्लिट्स आर नोन एज डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो आपने पता है बेटा कि अगर इस डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में इनके बीच का डिस्टेंस है ना डी है, तो ये क्या हो गया, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। और आपने पढ़ा है कि अगर डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा हुआ है ना, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा हुआ, तो आपको क्या मिलता है बेटा, पैटर्न मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, सिंपल। तो ये यूज कर लेना और आ जाएगा आपका, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज कर लेना बच्चे, ओके। तो ये हुआ आपका डिफ्रेक्शन वाला पार्ट फिनिश, ओके, डिफ्रेक्शन वाला पार्ट फिनिश हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला तीन पार्ट है ना, उसमें से इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन फिनिश हो गया बेटा। अगला जो है वो पोलराइजेशन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, बाय बाय।